हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपका हाई स्कूल साइंस 2020 का सेट नंबर 2, जिसका पेपर कोड है 824NK, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम इसका पार्ट नंबर बी यानी सेकंड पार्ट जो है केमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एसिड, यानी इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डाइल्यूट एसिड यानी पानी मिले हुए एसिड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो देखिए, इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसका इस्तेमाल हुआ है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी अगर हम एलिमेंट को उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में यानी एक के क्रम में रख देते हैं तो जो सीरीज़ बन के तैयार होती है उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। और इस सीरीज़ में क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो टॉप टू बॉटम आने पर क्या है, इनकी रिएक्टिविटी घटती है। यानी ऊपर की तरफ ऐसे एलिमेंट रखे गए हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। वहीं नीचे की तरफ ऐसे एलिमेंट रखे गए हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्शन शो करते हैं, यानी स्लोली स्लोली रिएक्ट करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसलिए क्या है, ऊपर की तरफ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और नीचे की तरफ क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए और जो बीच में एलिमेंट रखे गए हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, यानी ना ही तो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करेंगे ना ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन करेंगे। वहीं अगर हम बात करते थे यानी डाइल्यूट एसिड, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट ले जो क्या है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करे, यानी H2 गैस जो है इवॉल्व करे, तो एक बात याद रखेंगे। देखिए, यानी हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो हाइड्रोजन है उसको हमने बेस माना है और इसके ऊपर की तरफ रखे जाने वाले एलिमेंट्स क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और नीचे की तरफ रखे जाने एलिमेंट जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं। और ये जो है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है यही हमेशा क्या है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी जितने भी एसिड होते हैं उन सभी के अंदर एक एलिमेंट कॉमन रहता है और वो है हाइड्रोजन, यानी सभी के अंदर हाइड्रोजन मौजूद रहता है। और इस हाइड्रोजन को ऐसे ही एलिमेंट या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर पाएगा जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ रखा गया है। अगर हम देखें क्लोरीन तो नॉन मेटल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं सल्फ़र ये भी नॉन मेटल है तो ये भी क्या है रिएक्ट नहीं शो करेगा। अगर हम बात करें कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल हैं तो इन्हीं का जो है इन्वॉल्वमेंट होगा इस क्वेश्चन में। अगर हम कॉपर देखें तो कॉपर जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है नीचे की तरफ रखा गया है हाइड्रोजन से, इसलिए ये जो है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से नहीं इवॉल्व होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जिंक तो ZN जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, इसलिए ये आसानी से इसको इवॉल्व कर सकता है। अगर हम कोई भी जिंक के कोई भी एसिड लेकर जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। अगर सपोज मान लीजिए हमने क्या है यहाँ पर ले लिया है ZN डाइल्यूट HCl ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाती है। जिंक क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पे जो बनी है ये हाइड्रोजन गैस ये इस वजह से बन पा रही है क्योंकि ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है जिंक यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप, यानी सेकंड ग्रुप का इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है एक मेंबर है सेकंड ग्रुप। तो देखिए, इसमें कुछ हमें क्वेश्चन में
एग्जांपल दे रखे हैं, तो उन्हीं एग्जांपल को हम देख लेते हैं। एल आई यानी लिथियम, एम जी यानी मैग्नीशियम, बी यानी बोरॉन, एस आई यानी सिलिकॉन। तो देखिए, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, यानी अगर हम ग्रुप नंबर पता लगाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या है, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, लिथियम का होता है 3, मैग्नीशियम का 12, बोरोन का 5, वहीं सिलिकॉन का 14। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम देखते हैं लिथियम का होगा 2 और 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, बोरोन का 2 एंड 3, वहीं सिलिकॉन का होगा 2 8 एंड 4। अब हम देखेंगे कि देखिए, हमें किसी का भी ग्रुप नंबर पता लगाना हो, यानी ग्रुप का पता लगाना हो, तो जितने भी उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसका ग्रुप नंबर यानी ग्रुप होता है। इसलिए क्या, अगर हम लिथियम का देखें तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 1, यानी ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। वहीं अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 2, यानी ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। इसलिए हमारा यही करेक्ट ऑप्शन है, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम। वहीं नेक्स्ट भी देख लेते हैं आगे। अगर देखिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हम डायरेक्ट ग्रुप नंबर पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कितने भी हैं, तो उसमें आप 10 ऐड कर लीजिए, यानी 10 जोड़ लीजिए जितने भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम 3 में 10 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 13, यानी जो बोरोन है वो क्या है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। वहीं सिलिकॉन की अगर हम 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14, यानी जो सिलिकॉन है ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी पार्ट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट हैव, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनमें से कौन सा नहीं होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कंपाउंड हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होते हैं, तो उनको हम सैचुरेटेड नहीं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब है केवल उनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, यानी जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और देखिए इसमें पहला दे रखे हैं ऑप्शन सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं है, यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड तो होता है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। टेट्राहेड्रल यानी 4 सिर वाले, तो ये तो होते ही हैं सैचुरेटेड, यानी 4 सिर वाले का मतलब है, जैसे कॉमन सा हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। इस तरह से क्या है, ये 1 2 3 4, यानी 4 इनके हेड आ रहे हैं, तो इसलिए इनको हम चार हेड्रा वाला यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल इनका नेचर होता है कार्बन का। वहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 सेकेंड, यानी इतना जो है ये तो होता ही है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो है हमेशा याद रखेंगे इतना ही एंगल होता है। वहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो तब ये सैचुरेटेड नहीं होगा, तब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4th होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होने का है। ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन का ए, राइट टू यूजेस ऑफ द फॉलोइंग, यानी यूजेस हमसे पूछा गया है, जिसमें पहला है वॉशिंग सोडा।
यानी धावन थोड़ा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इसके यूजेस हमसे पूछे गए हैं तो यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट यूजेस, इट इज यूज टू क्लीन द क्लोथ्स एंड यूज्ड टू मेक सोप, यानी जो बासिक सोडा होता है उसका उपयोग हम जो क्लोथ होते हैं कपड़े उनको धोने के लिए करते हैं, और उसके साथ साथ इसका प्रयोग हम साबुन या डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उनको बनाने में भी करते हैं। वहीं सेकंड यूज, इट इज यूज टू मेक बेकिंग सोडा, यानी बासिंग सोडा से हम बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका यूजेस, इट इज यूज्ड टू रिमूव कलर्स यानी जो कलरफुल सब्सटेंस होते हैं उनके कलर को रिमूव करने के लिए हम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके अंदर क्लोरीन होती है, Cl2 है यहाँ पर, क्लोरीन की वजह से हम इसका उपयोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में या दूसरी जगह पर होते हैं उनको मारने के लिए भी करते हैं। यानी इट इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर एज इट कंटेन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल यानी एज इट कंटेन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। सो वी कैन से डैट इट इज यूज टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग एग्जाम्पल्स, यानी हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल देते हुए। तो इसी का बी पार्ट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन The hydrocarbons which contain single bond are called saturated hydrocarbon. यानी ऐसे
हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एग्जांपल CH4, यानी कार्बन, ये जो मीथेन है CH4 उसमें क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए सैचुरेटेड का एग्जांपल है। वहीं अगर हम बात करें यानी ये बन गया है हमारा C2H6, यानी इसको हम कहेंगे हम एथेन, यानी जो एथेन है इसके अंदर क्या है, देखिए दो कार्बन है और सभी के बीच में क्या है, देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एग्जांपल हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या केवल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी अगर उनमें क्या है सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी और इनकी जो है बैलेंस सी सेटिस्फाइड कर देते हैं, यानी C2H4 इसका नाम है एथीन। वहीं डबल बॉन्ड वाला है कोई ट्रिपल बॉन्ड का अगर हम एग्जांपल बात करें तो यानी C2H2 इसका नाम है एसिटिलीन। ये कैसे हैं, दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के एग्जांपल हैं, इसलिए ये दोनों ही क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाई व्हाट नेम इज द रिएक्शन बिटवीन द एल्कोहल एंड एन एसिड कॉल, यानी क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी पार्ट है, यानी वह रिएक्शन जो क्या है किसी एल्कोहल और किसी एसिड में होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो मेन रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वह रिएक्शन जो क्या है किसी एल्कोहल और किसी एसिड के बीच में होती है उसको हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, यानी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है, यानी जब हम किसी एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करते हैं तो ये एस्टर बना लेता है, एस्टर बनने की वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ गया एस्टरीफिकेशन। यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिड, एसिड में बीक एसिड का एग्जांपल लेंगे हम जो है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, अगर हम इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल यानी C2H5OH ये है इथाइल एल्कोहल से करा देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो H है यानी ये वाला H ये क्या होगा, ये जो एल्कोहल का OH है उसके साथ जो है जुड़ जाएगा,
और यहाँ से आया एक एच, यहाँ से आया एच और ओ एच, यानी दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे वाटर, और ये जो है यहाँ जुड़ जाएगा इस वाले पार्ट के साथ, बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस यहाँ से एच और यहाँ से एच, यानी दो एच हो गए एच टू, और यहाँ से केवल एक हो यानी एच टू ओ, ये बनाए हमारा इथाइल एसीटेट। और इसको हम एस्टर के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर वाटर बन गया है। और ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम एसिडिफिकेशन कहते हैं, और क्योंकि एस्टर बनना है यहाँ पर इसलिए इसका नाम पड़ गया है एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव केमिकल इक्वेशन ओनली, यानी केवल रासायनिक समीकरण हमें देनी है, सोडियम रिएक्ट विद इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का भी पहला पार्ट है, यानी सोडियम अगर आप इथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। इथाइल एल्कोहल यानी हमने अभी लिखा था सी टू एच फाइव ओ एच, दिस इज द इथाइल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन मेटल यानी सोडियम एनी के साथ होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो एनी है यानी सोडियम, ये इस वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और इसके स्थान पर खुद आ जाएगा और बना लेगा सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस यानी एच टू इवोल्व हो जाएगा, एच टू जो है निकल जाएगा। ये बन गया हमारा सोडियम इथोक्साइड। और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस ज़रूर करते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना भी क्या है रिएक्टेंट का वेट है उतना ही क्या है प्रोडक्ट का वेट भी होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। एच यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर हम दो लेंगे, यहाँ पर भी हम दो लगा देंगे, यहाँ पर भी दो लेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। सेकंड है इसका मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, यानी मीथेन जो है यानी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH4, अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या है, देखिए डिफ्यूज सनलाइट में होती है, यानी सनलाइट जो है डायरेक्ट ना पड़कर जो है इनडायरेक्ट वे में पड़ रही हो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो Cl है ये एक एच यहाँ से कम कर देगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा और खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3। एक एच हमने यहाँ से कम कर दिया है और उसके स्थान पर Cl जोड़ देंगे Cl। यहाँ से जो एच निकला था और यहाँ से जो हमारा Cl है यानी Cl2 है, यानी दो क्लोरीन है यहाँ पे, तो इसलिए क्या है एक एच यहाँ वाला एक Cl ये वाला आपस में जुड़ बना लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर बनाया हमारा मोनो क्लोरो मीथेन। फिर से ये क्या है, सेम रिएक्शन होगी, यानी यही जो हमारा प्रोडक्ट है ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा CH3Cl प्लस Cl2, यानी ये वाला जो Cl है Cl2 है इनमें से एक Cl फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है CH3 है यहाँ पर बन जाएगा CH2 और एक उसके स्थान पर एक फिर से क्लोरीन यानी Cl2 आगे जुड़ जाएगा फिर बन जाएगा यहाँ से HCl। ये बन गया हमारा डाइक्लोरो, डाई मीन्स दो, दो क्लोरीन हो चुके हैं अब हमारे Cl2 हो गया है डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट ये रिएक्शन फिर रिपीट होगी, यानी CH2 Cl2 प्लस Cl2 फिर से यहाँ से एक एच कम होगा और उसके स्थान पर खुद आकर जो है Cl2 जुड़ जाएगा और बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl, यानी ये बन गया हमारा ट्राइक्लोरो क्लोरोमीथेन। फिर से क्या है,
ये रिएक्शन रिपीट होगी, और रिएक्शन जब रिपीट होगी तो ये CHCl3 फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, यानी H एक है इसी यही निकल जाएगा और बन जाएगा CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं हम इसको, या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है, देखिए 4 क्लोरीन हो चुके हैं, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन हम इसको भी कह सकते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन यहाँ पर बनता है। और ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है डिफ्यूज्ड सनलाइट में होती है, इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो हमने 1, 2, 3, 4 स्टेप में रिएक्शन लिखी है, उसको हम एक सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह से अगर हम सिंगल स्टेप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए 2, 3, 4 जो है Cl बने तो 4 लेंगे, यहाँ पर हमारा CCl4 तो आपस एक ही बना है तो यही रहेगा, 1, 2, 3, 4 हमारे Cl2 जो है खर्च हो गए हैं तो यहाँ पर 4 जो है हम Cl2 रहने देंगे। इस तरह से क्या है, देखिए हमारे जो है ये एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन भी कंप्लीट हो सकती है, यानी 4 की जगह पर हम इस वाली सिंगल रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, यानी हमें जो है एसिटिक एसिड की दो केमिकल प्रॉपर्टीज देनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। अगर ध्यान दिया जाए तो एक केमिकल प्रॉपर्टी हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि बाय व्हाट नेम द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड इज कॉल्ड, यानी इसमें हमने क्या है रिएक्शन दी थी आपको एसिटिक एसिड की और इथाइल अल्कोहल के बीच में, तो एक केमिकल प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी क्योंकि केमिकल इक्वेशन हमसे पूछी गई किसी के साथ कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में नहीं दिया गया है, इसलिए एक रिएक्शन हम इसी को लिखेंगे। और एक हम यहाँ पर समझा देते हैं कि अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा से करा देते हैं, यानी एसिटिक एसिड CH3COOH + वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ से ये जो Na है इस वाले H को डिस्प्लेस करेगा और उसके स्थान पे खुद आकर जो है कंपाउंड बना लेगा, हो जाएगा CH3COONA सोडियम एसिटेट इज फॉर्म्ड, सोडियम एसीटेट यहाँ पर बनेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और साथ ही H2O यानी वाटर का मोलिकुल भी बनता है। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 ले लेंगे और यहाँ पर भी हम 2 ले लेंगे, सोडियम एसीटेट बनता है। एक केमिकल इक्वेशन हो चुकी है, एक हम पहले करा चुके हैं, दो केमिकल इक्वेशन इसमें पूछी गई थी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है पूछा गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, इसलिए सभी लोग ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन
थ्री फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। यानी एटॉमिक नंबर पर मोस्टली एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल और केमिकल वो डिपेंड करती हैं। दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड गिवन बाय मोस्ले। यानी मोस्ले ने इनको दिया था। जो पीरियोडिक लॉ है, जो मेन पीरियोडिक लॉ है, वो मेंडेलीव के द्वारा दिया गया था और उन्होंने बताया था जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, जो कि गलत प्रूफ हो गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग से हम क्या समझते हैं। रोस्टिंग को हम हिंदी में कहते हैं भर्जन। यानी द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। यानी ओर को जो ओयर्स होते हैं, ओयर्स क्या है, यानी ऐसे एलिमेंट जिनसे हम प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं। उनको अगर हम एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, भूनेंगे, तो उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। यानी देखिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम किसी और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करें यानी भूनें। तो देखिए कुछ ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो ओर्स में मौजूद हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अलग होकर कोई नया एलिमेंट बना लेती हैं। यानी उन इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए हम क्या है एलिमेंटों का रोस्टिंग कराते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड। यानी अगर हम जिंक सल्फाइड से इस सल्फर को अलग करना चाह रहे हैं और जिंक को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसका हम करा देते हैं रोस्टिंग। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको गर्म करेंगे। तो ये जो S है ये इस O के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और जिंक अलग हो जाएगा और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी। यानी ये जो इम्प्योरिटी के रूप में सल्फर मौजूद था हमने इसे अलग करने के लिए रोस्टिंग करा दिया, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ZnS को गर्म कर दिया, जिससे क्या है देखिए S यानी सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अलग हो गया और हमें प्राप्त हो गया जिंक। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट तो हम करा चुके हैं। सी पार्ट है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। यानी हमें बेकिंग सोडा का बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देना है। बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है जिसको हम जो स्वीट्स वगैरह होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, उसका हमें बनाने की विधि देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अगर इसे बनाना चाहते हैं, तो जो बेकिंग सोडा है यानी Na2CO3 दिस इज द बेकिंग सोडा। इसको हम पानी में घोल लेंगे यानी H2O में। और अगर हम इसको पानी में जब घोलते हैं और उसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गुजार देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू मीन बाय pH वैल्यू। यानी pH से आप क्या समझते हैं। pH इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए द निगेटिव
लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर हम पीएच पता लगाना चाहते हैं तो पीएच निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। यानी इसी फॉर्मूले के बेस पर हमने इस पीएच को डिफाइन किया, पीएच वैल्यू को। यानी जो लॉगरिथम की यानी जो नेगेटिव वैल्यू है हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की, उसी को हम पीएच कहते हैं। यानी फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है माइनस लॉग एच प्लस आयन, यानी जो एच प्लस आयन की हाइड्रोजन आयन जो हैं उनकी जो नेगेटिव लॉग है उसको ही हम पीएच कहते हैं। और अगर हम पीएच की जो है आगे दे रखा है उन्होंने व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द पीएच वैल्यू 8। यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन है अगर जिसकी पीएच वैल्यू 8 है तो उसका नेचर क्या होगा। तो पीएच स्केल देख लेते हैं। देखिए दिस इज अ 0, 7 and 14। देखिए ऐसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस जिसका पीएच जो है 0 से 7 के बीच में होता है तो वो एसिड कहलाता है। वहीं ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जिसका पीएच जो है 7 से 14 के बीच में होता है तो बेस होता है। वहीं ऐसा कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जिसका पीएच जो है 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है 8 अगर पीएच वैल्यू हो तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, यानी बेस होगा नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यानी शॉर्ट नोट हमसे दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ए यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शन, हम रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिखते हैं, इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट एंड मेक न्यू कंपाउंड। इस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन एक्शन। यानी वह रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता हो और एक नया कंपाउंड बना लेता हो, उन ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और देखिए इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यानी अगर हम देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए का सेकेंड पार्ट जो कराया था मैथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 7 का ए का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन, इसी का बी पार्ट है, नेशन यानी द प्रोसेस ऑफ
हीटिंग ऑफ ओर्स इन एब्सेंस और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, यानी वह प्रोसेस जिसमें हम ओर्स को या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करते हैं या फिर लिमिटेड अमाउंट में गर्म करते हैं, तो उसी को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। यानी अगर ऑक्सीजन एज ए इम्प्योरिटी किसी एलिमेंट में मौजूद है तो उस इम्प्योरिटी को हम अलग करने के लिए उसका कैल्सिनेशन करा देते हैं। जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड, हम चाह रहे हैं यहाँ से हमें जिंक प्राप्त हो जाए और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए जो इम्प्योरिटी है, बेकार चीज़ है, इसको ये अलग हो जाए, तो उसका हम कैल्सिनेशन कराएंगे, यानी इसको जो है हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो जिंक है ये अलग हो जाएगा। और उसके साथ ही देखिए, जब हम इसका कैल्सिनेशन कराते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पर क्या है, कार्बन यानी कोयल ऐड करेंगे, और ये जो है इसके साथ रिएक्शन करके खुद CO या फिर CO2 बना लेता है और खुद यहाँ से रिमूव हो जाता है। CO2 बनेगा, यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेंगे हम, पर भी दो लेंगे, यानी ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द शीपार्ट क्लीनिंग एक्शन ऑफ शॉप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं उनका क्लीनिंग एक्शन हमें बताना है। सबसे पहली बात तो देखिए, जो लॉन्ग चैन फैटी एसिड होते हैं उनका जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं उन्हीं को हम सोप कहते हैं। यानी पोटेशियम और सोडियम के जो लॉन्ग चैन फैटी एसिड वाले साल्ट होते हैं वही साबुन कहलाते हैं। और हमने ये साबुन का एक जनरल फार्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे, RCOONA। यहाँ पे R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी R यहाँ पर C17H35 या C15S31 भी हो सकता है या C17S33 भी हो सकता है। अगर हम इस साबुन को पानी में घोलते हैं तो ये टूट जाता है, RCOO और Na में, Na+ RCOO- में, और ये वाला जो पार्ट है Na+ ये इसका कहलाता है हेड पार्ट, ये वाला जो होता है RCOO- ये होता है इसका टेल, और जो ये हेड पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक, वही जो टेल पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। देखिए हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागने वाला पार्ट, यानी एक बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डर लगने लगता है, इसलिए देखिए हाइड्रोफोबिक यानी वह पार्ट होता है जो पानी से दूर भागता है, टेल यानी हाइड्रोफिलिक वह पार्ट होता है जो पानी की तरफ भागेगा, यानी पानी, ये टेल जो है पानी की तरफ मुँह पड़ता है, ये पानी से दूर की दूर जाने की कोशिश करता है। जब हम साबुन को क्या है किसी पानी में घोल रहे होते हैं और जब ये साबुन घुला हुआ पार्ट पानी जो है किसी ऐसे कपड़े के संपर्क में आता है जिस पर क्या डस्ट या जो ऑयल या ग्रीस वगैरह के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो ये क्या कर लेता है, देखिए तुरंत ही उसके साथ जो है जुड़ जाता है, यानी उस डस्ट के पार्टिकल के साथ या ग्रीस के पार्टिकल के साथ या फिर ऑयल के पार्टिकल के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर जो है ये कुछ इस तरह की आकृति बना लेता है, और इस आकृति को कहते हैं हम मिशेल। मिशेल यानी इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये टेल है और ये इसका है
हेड पार्ट, ये इसका हेड पार्ट है एन ए प्लस। और देखिए ये क्या है, ऑयल पार्टिकल या ऑयल ड्रॉप या कोई भी चीज़ जो है, डस्ट पार्टिकल भी यहाँ पे हो सकता है। और देखिए जो टेल है वो जुड़ चुकी है किसी ऑयल ड्रॉप के साथ, किसी डस्ट पार्टिकल के साथ, और जो एन है जो इसका हेड पार्ट है वो क्या होगा, देखिए वाटर रिपेलिंग है यानी पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा, और ये जुड़ चुका है किसके साथ, उसकी टेल के साथ, और टेल जुड़ चुकी है उसके ऑयल के साथ। जब ये एन ए वाला यानी जो इसका हेड पार्ट है ये पानी से दूर जाने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, टेल को जो है अपने साथ खींचता है, और टेल जुड़ चुकी है किसके साथ, ऑयल के साथ, किसी ग्रीस के साथ। तो ये क्या करता है, जब भाई अपनी पूंछ को खींचेगा तो, और पूंछ जो है बंधी हुई है किसके साथ, ऑयल के साथ, तो उस पूंछ के साथ साथ ये जो ऑयल ग्रीस या डस्ट का पार्टिकल ये भी खींचा चला जाता है और कपड़े से अलग हो जाता है। इस तरह से क्या है, जो साबुन होता है वो कपड़े से गंदगी यानी डस्ट, धूल, तेल या ग्रीस के पार्टिकल्स को अलग कर देता है और कपड़ा जो है साफ़ हो जाता है। यही है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या बता सकते हैं।